ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 का मैच नंबर 22 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग इलेवन पंजाब। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैदराबाद ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का विशाल लक्ष्य किंग इलेवन पंजाब के लिए खड़ा कर दिया, जिसके लिए डेविड वार्नर ने 52 रन बनाए 40 गेंदे खेल के। ब्रेडसो ने 97 रन बनाए 55 गेंदे खेल के। अब्दुल समाद ने 8 रन बनाए 7 गेंदे खेल के। मनीष पांडे ने 1 रन बनाए 2 गेंदे खेल के। विलियमसन ने 20 रन बनाए 10 गेंदे खेल के। प्रियंक गर्ग ने कोई रन नहीं बनाए 1 गेंदे खेल के। अभिषेक शर्मा ने 12 रन बनाए 6 गेंदे खेल के। और राशिद खान ने कोई रन नहीं बनाए, कोई भी गेंद भी नहीं खेले उन्होंने। वहीं अगर हम बात करें जो किंग्स इलेवन पंजाब की गेंदबाजी की, तो कॉटरियल ने 3 ओवर में 33 रन दिए जबकि कोई विकेट नहीं मिला। वहीं मुजीब ने 4 ओवर में 39 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट मिला। मैक्सवेल ने 2 ओवर में 26 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला। रवि बिश्नोई ने 3 ओवर में 29 रन देकर के 3 विकेट झटके। और अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन देकर के 2 विकेट झटके। तो इस प्रकार से निर्धारित 20 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं 202 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैदान में किंग्स इलेवन पंजाब की पारी उतना अच्छा नहीं रहा और केएल राहुल ने मात्र 11 रन बनाए 16 गेंदे खेल के। मयंक अग्रवाल ने 9 रन बनाए 6 गेंदे खेल के। सिमरन सिंह ने 11 रन बनाए 8 गेंदे खेल के। निकोलस पुरन ने 77 रन बनाए 37 गेंदे खेल के। ग्लेन मैक्सवेल ने 7 रन बनाए 12 गेंदे खेल के। मनदीप सिंह ने 6 रन बनाए 6 गेंदे खेल के। मुजीब ने 1 रन बनाए 3 गेंदे खेल के। रवि बिश्नोई ने 6 रन बनाए 7 गेंदे खेल के। मोहम्मद शमी ने 0 रन बनाए 1 गेंदे खेल के। सेंट्रल कॉन्ट्रेल ने 0 रन बनाए 2 गेंदे खेल के। अर्शदीप सिंह ने 0 रन बनाए 3 गेंदे खेल के। और इस प्रकार से 16.5 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ऑल आउट हो गई, वो भी मात्र 132 रन के स्कोर पर। वहीं अगर हम बात करें जो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग की, तो संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 27 रन खर्च किए जबकि कोई विकेट नहीं मिला। खलील अहमद ने 3 ओवर में 24 रन देकर के 2 विकेट झटके। टी नटराजन ने 3.5 ओवर में 24 रन देकर के 2 विकेट झटके। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 15 रन देकर के 1 विकेट झटके। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में 12 रन देकर के 3 विकेट झटके। और अब्दुल समाद ने 1 ओवर में 28 रन खर्च किए। तो इस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रनों से हरा दिया है और ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 69 रनों से बड़ी जीत मिली है। और इसी जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। 6 मैच में 3 जीत 3 हार के साथ 6 पॉइंट उनका है और वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो अगले अपडेट के लिए बने रहिए। और आज भी बहुत ही शानदार मुकाबला है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी ज़रूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो बने रहिए चैनल के साथ।